तो वेलकम है दोस्तों शिबा इनू कॉइन के बारे में जानने से पहले ज़रा थोड़ा सा इस कॉइन के बारे में जान लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और मार्केट की सिचुएशन आप सबको पता है, काफ़ी टाइम से काफ़ी मंथ हो चुके हैं बियर मार्केट है। और बियर मार्केट में दोस्तों कोई कॉइन यहाँ पे आप देख सकते हो 1900 से प्लस पंप कर जाए तो ये क्या ही बात है। ठीक है, अब यहाँ पे मैं आपको पूरी डिटेल के साथ इस वीडियो में बताऊंगा इसके बारे में ये क्या है। तो काफ़ी ज़्यादा हेयरफुल वीडियो आपके लिए है ये, और इसको पहले से वीडियो को लाइक कर दो, चैनल पे न्यू है सब्सक्राइब कर लो। और इसका जो लो था दोस्तों वो 0.19 डॉलर था, और हाई की बात करें ये इसका है। ठीक है, और लगभग इससे तकरीबन एक घंटा पहले, डेढ़ घंटा पहले इसका प्राइस 3 डॉलर के आसपास था, और अभी आप 4 डॉलर से आपको प्लस यहाँ पे दिखाई देगा। तो 2 साल की रेंज में यहाँ पर 2020 में ये कॉइन लॉन्च हुआ है, ज़्यादा टाइम इसको नहीं हुआ है। तो देख सकते हो आप इस रेंज से, यहाँ पे आप देखें इस रेंज से सीधा यहाँ पे पंप किया, और बियर मार्केट में इतना पंप कर जाए ये आप क्रिप्टो की पावर है। आप देख सकते हो कि क्रिप्टो में ही यहाँ पर होता है। तो कॉइन गीको पे भी आप यहाँ पे इसको देख लो, रैंक यहाँ पे इसकी जो है लगभग 158 है, और कॉइन मार्केट कैप पे आपको 200 के तकरीबन आसपास मिलेगी। और अब यहाँ पे आप ये मत कहना कि भाई पहले आपने नहीं बताया, जब कॉइन पंप करता है तब आप बताते हो। तो मेरे भाई मार्केट की सिचुएशन आपको पता है, यहाँ कब क्या हो जाए किसी को कुछ पता नहीं है। ठीक है, पहले कुछ भी यहाँ पर कहा नहीं जा सकता, क्योंकि FTX ने कितना बड़ा घोटाला किया, उससे पहले लूना ने किया, अब कुछ और एक्सचेंजेस भी हैं जिनके विड्रॉल बंद हो चुके हैं। तो किसी का लाखों का करोड़ों का फंड किसी एक्सचेंज के पास पड़ा है, अगर वो देने से इनकार कर दे तो आप सोचो फिर उस बंदे का हाल क्या होगा। पूरी की पूरी मार्केट इस पैनिक की वजह से दोस्तों आप देख लो कितना बड़ा क्रैश देखने को मिला है। और ऐसी सिचुएशन में किसी कॉइन पे जे दावा करना कि भाई ये बढ़ सकता है, ये काफ़ी डिफ़िकल्ट होता है। और अचानक से यहाँ पे इसने सडनली पंप किया है, वो मैं आपको बता रहा हूँ। 44 मिलियन की इसकी टोटल सप्लाई है, आप यहाँ पे सर्कुलेटिंग सप्लाई 44 मिलियन है आप यहाँ पे देख सकते हो। तो 2 साल के अंडर ये कॉइन लॉन्च हुआ और इसने इतना बड़ा पंप यहाँ से किया। ठीक है, आप 2022 नवंबर में यहाँ देखोगे ना, आप कुछ भी वैल्यू इसकी नहीं थी, 0.2 डॉलर। ठीक है, 0.2 डॉलर से यहाँ पे, एक मिनट यहाँ पे आप देखो, उसके बाद 20 नवंबर को इसका प्राइस 0.6 डॉलर आ गया। ठीक है, और बढ़ता बढ़ता आज आप यहाँ पे देख सकते हो 5 डॉलर, 6 डॉलर इसका हाई है यहाँ पर कॉइन गीको पे। ठीक है, अलग अलग वैल्यू यहाँ पे दिखाता है। और काफ़ी अच्छी चीज़ यहाँ पे मार्केट में ये देखने को मिली है, फर्स्ट ऐसा कॉइन है बियर मार्केट में जो सडनली इतना अच्छा पंप किया है जिसने। तो अभी बात कर लेते हैं शिबा इनू कॉइन की। यहाँ पे शिबा इनू आर्मी रीचेस न्यू मेजर माइलस्टोन इन जस्ट 2 डेज। तो काफ़ी अच्छा माइलस्टोन कंप्लीट करता हुआ यहाँ पर नई नई वेल्स है ना शिबा इनू कॉइन में एंट्री ले रही है, नई वेल्स। मतलब पुरानी वेल्स वो अलग बात है, वो तो शिबा इनू कॉइन को लेकर काफ़ी ज़्यादा सीरियस है ही, लेकिन न्यू वेल्स भी हैं जो शिबा इनू कॉइन को बड़ी क्वांटिटी में ग्रैब करके रख रही है। या बियर मार्केट में दोस्तों इतने ज़्यादा होल्डर इंक्रीज होना, बहुत से ऐसे प्रोजेक्ट हैं जिनके होल्डर जीरो होने की तादाद पर है, और शिबा इनू कॉइन ऐसा मीम कॉइन है जो यहाँ पे जिसके होल्डर कंटिन्यू बढ़ते जा रहे हैं यहाँ पे। और वेल स्टेटस की अगर न्यूज़ के अकॉर्डिंग यहाँ पे देखें ना, लगभग जो इसके होल्डर थे तकरीबन यहाँ पे आप देखो 17 नवंबर की मैं बात कर रहा हूँ, 17 नवंबर के आसपास इसके होल्डर थे 12,71,666। ठीक है, और उसके बाद काफ़ी बड़ा पंप इसके होल्डर्स में देखने को मिला, 12,76,281 का लेवल यहाँ पे अब जो है, अब तो और भी ज़्यादा होंगे, काफ़ी टाइम पहले की ये अपडेट है, काफ़ी टाइम की नहीं है, थोड़ा टाइम की है, ज़्यादा नहीं। यहाँ पे 5,000 के नंबर का यहाँ पर होल्डर्स में देखे ये डिफरेंट देखा गया है। तो काफ़ी अच्छी चीज़ है, ठीक है, होल्डर इंक्रीज़ होना बियर मार्केट में ना, ये बहुत बड़ी बात होती है दोस्तों। यहाँ पे देखें बड़ी बड़ी क्वांटिटी में वेल्स इसको भर भर के यहाँ पर दोस्तों अपने वॉलेट में ट्रांसफ़र करें, उसको होल्ड करें, बाय करें। यहाँ पे दोस्तों एक और न्यू वेल के द्वारा शिबा इनू कॉइन को देखें, यहाँ पर काफ़ी बड़ी क्वान्टिटी में न्यू वेल्स एट 310 बिलियन शिबा इनू। देखें आगे भी आपको यहाँ पर दिखाई देंगे, ठीक है, 220 बिलियन। नीचे इसकी ID वगैरह ट्रांजेक्शन सभी हैं, और डॉलर में देखें लगभग 4.83 मिलियन बर्थ के शिबा इनू कॉइन को यहाँ पर 19 नवंबर की यहाँ पे बात करूँ मैं, यहाँ पे देख सकते हो आप 19 नवंबर, और आज आप देखोगे 20 है, तो कल यहाँ पर ये ट्रांजेक्शन्स हुई हैं,
जो बहुत ज़्यादा है अपने आप में, ठीक है। और एक और दोस्तों लाजवाब अपडेट मैं आपके साथ अभी शेयर करने वाला हूँ, तो ये दोस्तों काफ़ी ज़्यादा बेमिसाल चीज़ है जिसके बारे में जान लेना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। ये क्या है दोस्तों, कभी तो शिवा इनको इनको बोलते हैं कि भाई ये आगे आने वाला जो इसका फ्यूचर है वो डेड हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। और कभी बोलते हैं कि 2025-30 तक शिबा इनू को $1 हिट करेगा। अभी पूरा माजरा मैं आपको बताता हूँ कि ये क्यों ये लोग बोलते हैं, क्योंकि दोस्तों अगर किसी के बारे में ऐसा अच्छा कुछ बोला जाता है तो कुछ रीजंस होते हैं जिसको लेकर यहाँ पे बोला जाता है। क्योंकि बहुत से तो ऐसे थे लवली इनू कॉइन थे भाई मीम कॉइन में, और बहुत से कॉइन है और किसी कॉइन के बारे में नहीं बोला जाता, लेकिन शिबा इनू कॉइन के बारे में क्यों यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ। दोस्तों FTX को कौन नहीं जानता, ठीक है। FTX ने मार्केट में कितनी बड़ी नेगेटिविटी फैलाई, और अभी भी जो है FTX को लेकर बहुत ज़्यादा नेगेटिव है मार्केट, पैनिक है, और आने वाले समय में काफ़ी टाइम ये रह सकता है। और अभी यहाँ पर एक चीज़ और सुनो, आप यहाँ से आपको सोलाना का पता होगा, ठीक है। ये सोलाना कॉइन है ये वाला, तो ये है दोस्तों सोलाना कॉइन जो यहाँ पे 15 रैंक पे है, और इसका प्राइस यहाँ पे 13.14 पे इसका प्राइस है, ठीक है। अब दोस्तों सोलाना के बारे में मैं क्यों आपको बता रहा हूँ वो मैं अभी रीज़न आपको बताता हूँ। जो सोलाना के फाउंडर हैं वो दोस्तों यहाँ पर गए FTX, ठीक है, FTT के फाउंडर के पास, और FTX ने दोस्तों अच्छा खासा सोलाना को सपोर्ट किया, बहुत सारा पैसा सोलाना को FTX ने दिया, और सोलाना ने अपने प्रोजेक्ट को अच्छा खासा डेवलप किया, ऊपर लेकर के गए, और सोलाना का प्राइस आपको पता है कितना ज़्यादा ऊपर चला गया था। अब FTX दोस्तों क्रैश हुआ, FTX ने जो मार्केट में किया उसके साथ उसका इम्पैक्ट जो है वो सोलाना पर भी पड़ा, क्योंकि बहुत ज़्यादा ये चीज़ वायरल थी कि FTX ने सोलाना को सपोर्ट किया। अभी दोस्तों FTX ख़त्म तो सोलाना का प्राइस भी नीचे दड़म से नीचे गिर गया। अब शिबा का यहाँ पर मैं क्यों बता रहा हूँ वो मैं अभी आपको बताता हूँ। दोस्तों शिबा इनू कॉइन को किसी ने सपोर्ट यहाँ पर नहीं किया, मान लो, ठीक है, जैसे सोलाना को सपोर्ट किया FTX ने, FTX ख़त्म तो सोलाना भी डंप, तो ऐसा कोई प्रोजेक्ट नहीं है जिसने शिबा इनू कॉइन को सपोर्ट किया हो कि भाई शिबा इनू कॉइन ने इतनी बड़ी कम्युनिटी गेन कर ली इस एक्सचेंज ने, या फिर इस बड़ी महान हस्ती ने शिबा आर्मी को सपोर्ट किया, तो ऐसा कोई भी दोस्तों पुख्ता सबूत नहीं है कि किसी ने इसको सपोर्ट किया हो। शिबा इनू कॉइन अपने दम पर दोस्तों यहाँ पर इतनी बड़ी कम्युनिटी को खड़ा किया इसने, और इतनी इतनी चीज़ें नई शिबा इनू कॉइन लेके आ रहा है, ठीक है। अब Web3 में इसका ब्लॉकचेन आएगा, इससे पहले इसका गेम आया, और अभी जो है शिबा इनू कॉइन का ब्लॉकचेन वर्जन गेम भी आएगा, ठीक है, जो अच्छा खासा मार्केट में रन करेगा, और बड़ी बर्निंग भी हमें देखने को मिलेगी। कितना कुछ यहाँ पर शिबा इनू कॉइन ने यहाँ पर किया, लेकिन भले ही दोस्तों FTX हो, भले कोई और, चाहे कोई भी प्रोजेक्ट हो वो ज़ीरो हो जाए, लेकिन उसका नेगेटिव इम्पैक्ट शिबा पे नहीं पड़ेगा, क्योंकि भाई इसने तो किसी से सपोर्ट मांगी ही नहीं, ये तो खुद अपने दम पर यहाँ पे आगे आया है। और इस बिहा पर यहाँ पर ये बोलते हैं कि शिबा इनू कॉइन अगर अपने दम पर दोस्तों इतना बड़ा लेवल क्रिएट कर सकता है, तो शिबा इनू कॉइन के लिए 2030 तक $1 जाना या फिर $2 जाना क्या मुश्किल है। लेकिन अभी मैं आपको रियलिटी बताता हूँ, $1 जाना शिबा इनू कॉइन के लिए मुश्किल है 2030 तक, ये डेफिनेटली है, ठीक है। टोटल जो मार्केट कैप है वो तो 1 ट्रिलियन से नीचे है, और अगर शिबा इनू कॉइन दोस्तों आधा ट्रिलियन भी अपना मार्केट कैप बनाता है, तो शिबा इनू कॉइन के प्राइस में कहीं ना कहीं 1 रुपये के आसपास लेवल हमें देखने को मिलेंगे, और इसको गेन करना शिबा इनू कॉइन के लिए आसान है। लेकिन ये जो $1 का आंकड़ा है इसके लिए तो काफ़ी ज़्यादा वेट करना पड़ेगा, ये सच्चाई है, रियलिटी है, क्योंकि यहाँ पर सडनली इतनी बड़ी चीज़ें नहीं होती हैं। यही दोस्तों शिबा इनू कॉइन की सच्चाई है, क्योंकि किसी को यहाँ पर प्रेडिक्ट किया जाता है तो उसके पास्ट प्रेजेंट और उसके रोड मैप को देखकर किया जाता है, और शिबा इनू कॉइन का रोड मैप दोस्तों जिसका किसी के पास कोई जवाब ही नहीं है भाई, इतना बढ़िया रोड मैप, मतलब क्या बात है यार, ठीक है। अभी मेटावर्स, Web3 सब कुछ देखने को मिलेगा, लेकिन जिस बात पे रोष है वो मुझे भी है, वो है दोस्तों इसकी बर्निंग को लेकर। इन्होंने बोला था कि 1 ईयर के अंडर हम जो है 111 ट्रिलियन शिबा इनू कॉइन को बर्न करेंगे, ये चीज़ें देखने को नहीं मिली है, जिसको लेकर नीचे आप एक कमेंट ज़रूर करना, शिब बर्न आर्मी को लेकर 111 भी आप साथ में डाल देना, तो करना ऐसा कुछ, ठीक है। फिलहाल ये सच्चाई और रियलिटी है, बियर मार्केट में भी दोस्तों कुछ भी हो सकता है, बस यही है, पेशेंस बना करके रखो। और एक और बात यहाँ पे मैं आपको बताना चाहता हूँ दोस्तों, FTX को लेकर लोग इतना ज़्यादा डर चुके हैं, बस यही है कि आप अपने फंड को दोस्तों अलग अलग एक्सचेंजेस में होल्ड करो, एक एक्सचेंज में मत रखना। तो ठीक है, इस वीडियो में बस इतना ही, न्यू कोई भी अपडेट आएगी आपके साथ हम शेयर जरूर करेंगे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।